नमस्कार, राम राम, जय जोहार। आज एक कहानी बताऊंगा और ये कहानी आप लोगों से जुड़ी हुई है। जब गांव में या शहर में कोई बच्चा, आपसे छोटा उम्र का बच्चा, कोई गलती करता है तो हम उसकी गलतियों को देखते हैं और उसे डांट फटकार लगाते हैं कि भाई ये गलती मत करो। लेकिन जब कोई चोर चोरी करता है तो उसे हम लोग डांट फटकार के साथ मारपीट भी करते हैं और जिसका सामान चोरी किया हुआ होता है उसको वापस रिटर्न कर देते हैं कि भैया आपका सामान चोरी हो गया है, इस बालक ने चोरी कर लिया है, ये आपका सामान है। लेकिन ऐसा ही मामला रायपुर राजधानी में हुआ। कल की बात है, रायपुर राजधानी में आजाद चौक थाना अंतर्गत एक दुकान में लाखे नगर में चोरी होती है और चोरी दो नाबालिग बालक करते हैं। बालक दुकान में जाते हैं और दुकान में छत के गेट को पहले तोड़ते हैं और तोड़कर फिर दुकान में घुस आते हैं और दुकान में देखते हैं कि भैया यहाँ चोरी करने के लायक क्या चीज़ है। तो पहले वो डस्टबिन के पास पॉलीथीन लगा होता है तो डस्टबिन से पॉलीथीन निकालते हैं और उस पॉलीथीन को हाथ में लगाते हैं ताकि फिंगरप्रिंट कोई स्कैन ना कर सके। और उस पॉलीथीन को हाथ में लगाने के बाद पहले वो जो जिसमें पैसा होता है उसको तोड़ते हैं, गुल्लक को तोड़ते हैं और उसके बाद वहाँ से सारा पैसा निकाल कर फरार हो जाते हैं। बैग में रखते हैं और सारा पैसा निकाल कर फरार हो जाते हैं। जब वो भागते रहते हैं तो दो लोग मिल जाते हैं और वो उनसे बड़े होते हैं, देख लेते हैं उन लोगों को। तो वो लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, तो बताते हैं कि सारी घटना है ऐसा ऐसा है। उसके बाद जब दोनों लोग पूछते हैं तो सारा बैग उन्हें देते हैं, भैया हमारे से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए हमें। तो जो दो लोग हैं, दोनों सीनियर होते हैं, दोनों बड़े होते हैं, तो उन लोगों को दे देते हैं। दोनों का नाम होता है, एक का नाम होता है पंकज और एक का नाम होता है आयुष। तो पंकज और आयुष को वो जो नाबालिग बालक हैं वो सारा पैसा दे देते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद जिसके दुकान में चोरी होती है वो सुबह पहुँचता है और देखता है कि भाई हमारे यहाँ तो चोरी हो गई है, सारा सामान बिखरा हुआ वो दिखता है उसे। उसके बाद वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, थाने में इसकी शिकायत लिखी जाती है। उसके बाद जब जाँच की जाती है तो CCTV एक क्लू मिल जाता है, CCTV में दिखता है कि किसने चोरी किया है। जब CCTV में क्लू मिलता है तो पुलिस उस आधार पर जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस को दोनों आरोपी मिल जाते हैं और दोनों बालक से पूछताछ की जाती है बैठाल कर थाने में कि भैया बताओ चोरी कहाँ की और पैसा कहाँ किया। तो बालक रोते हुए सब कुछ बता देता है कि भैया चोरी तो हमने हकीकत में की थी, लेकिन दो लड़के मिले थे, उन लड़कों को हमने पैसा दे दिया। उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि वो लड़के हैं कौन, तो समझ आता है कि वो जो बालक मतलब जिनको उन्होंने पैसा दिया है उसका नाम, एक का नाम पंकज है और दूसरे का नाम आयुष, और दोनों व्यापारी हैं, दोनों का शॉप है और दोनों व्यापारी को उन्होंने पैसा दे दिया होता है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख की दुकान में चोरी हुई थी लेकिन खाली उन लोगों के पास से 1,43,000 ही अभी जब्त कर पाई है पुलिस। अब पुलिस उस पर कैसे जाँच करती है और उन आरोपियों को किस प्रकार से पूछताछ करती है कि पूरा पैसा निकल पाए, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपके आसपास नज़दीक में ऐसी कोई घटनाएं हो तो जिसका सामान है जो चोरी करके ले जा रहा हो, या तो आपको पता ना हो तो पुलिस के हाथों में सौंप दीजिए, या फिर पता हो तो जिसका सामान चोरी हुआ है उसे वापस लौटा दीजिए, नहीं तो आपको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है जैसे इन दो व्यापारियों को जाना पड़ा। यदि ये वो गलती नहीं करते, वो पैसा को अपने पास नहीं रखते, तो हो सकता है ये सलाखों के पीछे नहीं जाते। लेकिन चोरों को तो इन्होंने पकड़ लिया था, उसके बाद खुद ही अपराधी बन गए चोरों को पकड़ कर। मुझे लगा ये घटना आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताया। पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार की घटना आपके आसपास हो तो भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि उस पर भी हम वीडियो बना सकें।